खतरा। किस चीज का खतरा है? पानी का। पानी का। अभी खाना खाने के बाद ना एप्पल जूस जरूरी। घर में भी पूरा पानी भर चुका है। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप लोगों का लाइव मोमेंट्स विद कुल्लू कुमार। हेलो हेलो हेलो, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों के ऑफिस से नए ब्लॉग में। लेकिन आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में बारिश हो रही बड़ी भयंकर आज भी। और ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश लगातार परसों सुबह से लगातार चल रही है और कल भी दिन भर रही और आज भी पूरी बारिश है। और अभी चंडीगढ़ में बहुत सारी जगहों पर पानी भर चुका है। आप लोगों को नज़ारा मैं दिखाता हूँ, जो कि बिल्कुल हमारे घर के नीचे है। ये हाल है, नीचे पूरा पानी के पानी भरा हुआ है। नीचे अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो पूरा पानी पानी भरा हुआ है सारा। और बहुत ज़ोर की ये बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी बारिश न जाने कितने दिनों तक रहेगी नहीं मालूम है। तो लेकिन चलो करते हैं आज का दिन का शुरुआत। तो रिकू खड़ी हो चुकी है। रिकू उठो बेटा, नाश्ता अच्छा में हो गया है। तो रिकू अभी नाश्ता करने वाली है। और आज जो ब्रेकफास्ट है हमारा, ब्रेकफास्ट आज ये रहेगा, ये है नूडल्स है, अंडे हैं, चाय है और मैगी। यस, रिकू कह रही है मैगी बोलना है। तो मैगी है और अंडे हैं, चाय है और उसके साथ साथ आलू की सब्जी है और रोटी है। तो आलू की सब्जी रोटी अब ले आते हैं हम लोग अभी और करते हैं हम लोग आज का। तो रिकू और मैंने कॉम्पिटिशन किया कि कौन अपना खाना जल्दी फिनिश करेगा और कौन देर में। तो रिकू जीत गई है। हाँ जी, आप जीत गए कि मैं जीता? मैंने आपसे पहले खत्म किया। तूने मुझसे पहले खत्म किया? हाँ। अच्छा, मैं थाली में, पता है मैं तो आपकी थाली में नजर रख रही थी। अच्छा, और तो यूरेका जीत चुकी है इसको। उसने अपना प्लेट खत्म कर दिया है। खत्म तो नहीं किया, अभी बहुत सारा छूटा हुआ है इधर में। और लेकिन हमने खत्म कर दिया है। अभी खाना खाने के बाद ना एप्पल जूस जरूरी। तो भैया ये रायपुर खुर्द में बहुत बुरा हाल है। सारा का सारा पानी पानी भर चुका है और यहाँ पे लोगों के घर के अंदर पूरा पानी पानी हो गया है। अगर आप देखेंगे तो इतने दिनों की बारिश में ये इतना बुरा हाल हो गया है। आप देखो ये सारा पानी का पानी भर गया है। ओ भयंकर। तो ये है बारिश का हाल। ओ गली में पूरा पानी 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 भर गया, पूरी गली में पानी भर गया है और इस घर में भी पूरा पानी भर चुका है। हाँ जी, पानी भर गया, पानी भर गया। आप भी डूब जाओगे? नहीं नहीं, बच जाएंगे, तैर जाएंगे, तैर जाएंगे। मैं तो डूब रही थी, इतनी भारी हूँ ना। और पूरा का पूरा पानी भर चुका है इधर में, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे घर के अंदर तो पूरा का पूरा पानी भरा गया है इधर में भी और इधर में पूरी इस गली में भी पूरा पानी भर चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ भी लोगों के घरों में अंदर पानी घुस गया है। अगर आप देखें तो मेरा पूरा इतना इतना पानी हो चुका है। तो नहीं भी तो करीबन ढाई फिट तक पानी ये भर चुका है इधर में और इधर में भी रूम के अंदर पूरा पानी पानी, घर के अंदर पूरा पानी पानी घुस चुका है। तो फाइनली ये वाला खोल दिया यहाँ पे और अभी ये जो सारा पानी का फ्लो अभी निकल चुका है। तो पानी धीरे 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 कम हो रहा है। अभी यहाँ पे ये पाइप खोल दिया है इधर में, तो ये नाला खोल दिया है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नाला खुल चुका है और इन सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की है इस बारिश में। बारिश भी लगातार चल रही है, चालू हो रही है। सब जगह से पानी, इधर का पानी, उधर से भी पानी, दोनों तरफ से पानी आ रहा है। तो ये यहाँ पे एक और नाला खोल दिया है और यहाँ पे एक और जगह जगह नाले खोले जा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से जो पानी है वो सारा पानी का पानी जो है वो निकल सके, ड्रेनेज में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए सारा का सारा पानी खोल दिया है। तो एक इधर में खोला है, एक उधर में खोला है, दो और एक इधर में खोला है, तीन। तो सभी जगह से पानी अभी पास हो सकेगा। और आंटी ये बताओ कि ये बारिश कब तक रहेगी? भाई अभी 3 दिन और रहेगी। तो आप लोगों को कोई खतरा है इसमें? हाँ, खतरा। किस चीज का खतरा है? पानी का।
पानी का आपके आपके घर में भी पानी आया है? किनारे पे आ गया, किनारे पे आ गया। मतलब आज रात अगर बारिश रहेगी तो आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं, पूरे पूरे चांस है आने के। पानी की दिक्कत, पीने की, जाने की, आने की, आने की सबसे ज्यादा पीने की दिक्कत भी हो रही है पानी की, हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी क्योंकि पानी सारा मिक्स हुआ है। हाँ, हो जाएगा। तो पानी हो गया। हाँ, तो ये सब जगह पानी पानी हुआ है और हमारी आंटी लोगों को बहुत परेशानी है, महिलाओं को सब ज्यादा परेशानी हो रही है, महिलाओं को सब ज्यादा परेशानी हो रही है। मुश्किल हो गया। तो सब ज्यादा जो परेशानी वो है खाना पीना राशन पानी लाने में, साग सब्जी लाने के लिए, है ना। तो हाँ, क्या बोल रहे आंटी? 150 रुपए किलो टमाटर हो गया। हाँ, तो ये महंगाई रहेगी, तो ये बारिश की मार है और अभी बारिश फिर से थोड़ा सा तेज हो चुकी है और फिर से पानी भरने लगा है और सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं। जितने भी ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो सभी लोग अपने घरों से बाहर हैं। यहाँ सारे ग्राउंड फ्लोर के अंदर आप लोग देखें, सब सब जगह पानी भर चुका है, सब जगह पानी भरा जा रहा है, पूरे के पूरे रास्ते में पानी हो रहा है। तो ये जो बारिश है ये कब तक होगा? अभी जो प्लान था हमारा जो पानी निकालने का, तो वो प्लान ये चालू है। यहाँ पे जो लोग हैं ये लोग इसको खाली करे जा रहे हैं, यहाँ पे ये रास्ता बनाएंगे, तो जो ये नाली है नाली बनेगी और नाली से क्या होगा कि दोनों तरफ का पानी जो है वो निकल आएगा। तो लोगों के घरों में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है घरों में, वो इस तरफ घरों में दिक्कत हो रही है कि सारा का सारा पानी इधर में भरा हुआ है और लोगों के घरों के अंदर पूरा का पूरा पानी घुसा हुआ है। तो इसके लिए एक बात मैं आज देखता हूँ कि थोड़ा हम लोगों को ये भी करना चाहिए कि जब भी अपना घर बनाए तो एक स्टेप बनाएं। और वो आगे से आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो गाड़ियाँ हैं पानी में भरी हुई हैं और भरते हुए चली आ रही हैं, बट लेकिन चलो जैसे बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पानी और बढ़ने लगा है और इस पानी से क्या है कि खतरा है, जो सब ज़्यादा खतरा है वो बीमारियों का खतरा है कि बीमारी और बढ़ने लगेगी, बीमारियाँ और चलने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। और ये भाई लोग भी आनंद ले रहे हैं यहाँ पे बारिश का पानी का, देखो कितना कितना पानी भरा हुआ है। तो लगता है कि अभी बोट यहाँ पे चलानी चाहिए हम लोगों को। और यही गली बिल्कुल हमारे घरों के पीछे है और इस गली में भी पूरा पूरा पानी भर चुका है। ये जो घर हैं इधर में, इन सब घरों में पानी भरा हुआ है, इन सब घरों में पानी भरा हुआ है और लोग जो हैं बड़ी समस्या में हैं। इधर घरों में भी पानी भरा हुआ है, लोग सभी लोग अपने वाइपरों को लेकर के खड़े हैं और आप देखेंगे तो वाइपर लेकर के खड़े हैं, सबका पानी भरा हुआ है, सब जगह पानी भरा हुआ है। सब लोग पानी का देख रहे हैं कि किस प्रकार से, सब लोगों को डर है कि सबके घरों में पानी ना घुस जाए और किसी का जान मान का खतरा ना हो, जान मान का हानि ना हो, तो इसके लिए सब लोग बैठे हैं। और बारिश में यूरेका ने लिया आनंद, फुल बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है और यूरेका बारिश का आनंद ले रही है। यूरेका कहती थी कि मेरे को बारिश में खेलना है, मेरे को बारिश में खेलना है, और यूरेका हाँ खेल रही बारिश में है, है? क्या खेल रही बारिश में? तो ये ज़बरदस्त बारिश का मौसम है, सब जगह पानी पानी भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे नीचे तो उधर भी पानी भर चुका है और घर पे भी पानी भर चुका है गाइस, घर पे भी पानी भर चुका है लोगों के। अभी अभी एक ज़बरदस्त अपडेट मिला है मेरे को कि हमारा इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद हो गई है, कोई भी इंटरनेट सर्विस नहीं चल रही है। हाउएवर हमारे पास में लाइट है लेकिन कोई भी इंटरनेट सर्विस चालू नहीं है। अगर मोबाइल का जो भी डेटा है वो सारा डेटा ऑफ हो गया हमारे एरिया में, मालूम नहीं क्यों हुआ है, किस लिए हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। मैं थोड़ा पता करता हूँ आसपास जा करके कि क्या अपडेट है, तो जो भी अपडेट है वो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा इस ब्लॉग में, इस वीडियो में, और आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊंगा इसके बारे में कि आज की परिस्थिति क्या है। तो यूरेका जो है वो अभी इंजॉय कर रही है और यूरेका ने अभी चाय खाया है, कुरकुरे खाया है और अभी वो जा करके क्या करने वाली है, अभी क्या करने वाली है, तो यहाँ पे है यूरेका आ गई है। हाँ, अभी क्या करने वाले हो जी? सोने वाली हूँ। हैं? सोने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सोने का टाइम नहीं है। टाइम अगर आप देखें तो टाइम हो चुका है अभी करीबन 6:45 होने वाला है शाम का। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग अभी अरे यार पापा को परेशान करती है, ऐसा को परेशान करता है क्या? ऐसा को परेशान नहीं करता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, देखते हैं कि अपडेट के बारे में हम लोग पता करते हैं अभी कि क्या अपडेट हम लोग कर सकते हैं। तो अभी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आसपास जाकर के देखता हूं कि क्या अपडेट कर सकता हूं मैं, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो अभी मैंने पता किया कि इंटरनेट का सर्विस क्यों बंद हुआ, तो पता लगा कि इंटरनेट का जो वो जो 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 हमारा नज़दीकी का जो टावर था उसका थोड़ा बैटरी बैकअप का थोड़ा इश्यू आ रहा था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट नहीं चला। लेकिन अभी इंटरनेट चालू हो गया है, करीबन
तीन घंटे करीबन 3 घंटे हो चुके हैं और अभी इंटरनेट चालू हो गया 3 घंटे के बाद में, तो इंटरनेट चल रहा है अभी। तो आज ही आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। अब इसके बाद में मेरे एक मीटिंग है और उस मीटिंग को हम लोग चल रहे, वो मीटिंग होगी करीबन 2 घंटे वो मीटिंग होगा और उस मीटिंग के लिए हम लोग बने रहेंगे, तो उस मीटिंग के लिए मैं जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके बाद बस मीटिंग में ज्वाइन करूँ, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों से निवेदन कि आप लोग अपने जितने भी आपके जानने वाले उन सब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने कमेंट्स दें कि किस प्रकार से हम लोगों को वीडियो बनाना चाहिए, किस प्रकार का कंटेंट हम लोगों को डालना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग हमको मदद करें। और हो सके जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मेरा जो वीडियो है और लोगों तक भी पहुंच सके और आप सब लोग मोटिवेट हो सकें। उद्देश्य हमारा ये है कि आप लोगों को, हर किसी को जो कोई ये वीडियो देख रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने मोमेंट्स को, जो उनके जो जीवन के जो क्षण हैं, उन लोगों को जिए। सो लिव योर मोमेंट। ओके, तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, बने रहिए हमारे ब्लॉग में और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।